हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हमें एक ब्लैक कॉमन मोमन बटरफ्लाई मिली। नॉर्मली हम आपसे कैटरपिलर शेयर करते हैं, उनको सेव करना, तितलियां सेव करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो जो कॉमन ब्लैक मोमन होती हैं या लाइम बटरफ्लाई होती हैं, ये नींबू के पौधे पर या करी पत्ता पर या बेल के पेड़ पर अंडे देती हैं, क्योंकि जो तितलियाँ होती हैं वो अपने होस्ट प्लांट पर ही अंडे देती हैं। जैसे लाइम बटरफ्लाई नींबू के पौधे पर, और जो प्लेन टाइगर या अफ्रीकन मोनार्क वो जो आक यानी मदार का पौधा होता है उस पर अंडे देती है। तो वीडियोज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। तो ये जो तितली थी, ये जो बाहर वाला गार्डन है वहाँ पर ये ज़मीन पर चल रही थी, जहाँ पर हम पक्षियों के लिए पानी रखते हैं। नॉर्मली जो तितलियाँ होती हैं वो अपने होस्ट प्लांट पर ही अंडे देती हैं, उन्हीं के पत्ते खाकर कैटरपिलर बड़ा होता है, क्रिसलिस बनता है और उनसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनती है। तो जब ये ज़मीन पर चल रही थी तो थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि तितलियाँ तो उड़ती रहती हैं, तो फिर देखा तो इसके विंग्स सही से नहीं खुल पाए थे। और ऐसा तब हुआ होगा जब ये क्रिसलिस से बाहर निकली होगी, यानी कि जो इसका प्यूपा होता है, जब ये उससे बाहर आती हैं तब इनके पंख खुलते हैं और ये बहुत देर के लिए रेस्ट करती हैं थोड़ी देर, और तब उनका जो ब्लड होता है, एक तरह का फ्लूड होता है, वो पंखों में फैलता है। जो पंखों की नसें होती हैं, विंग्स की वेन्स होती हैं, उसमें फैलता है और तभी इनके पंख अच्छे से खुल पाते हैं और ये उड़ने के लिए तैयार हो पाती हैं। तितली के अगर पंख ही सही नहीं होंगे तो तितली उड़ नहीं पाएंगी, और यही इनका जीवन होता है। उड़कर ही ये एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं, और अगर पंख ही सही नहीं होंगे तो फिर ये इनका जीवन बहुत कम होगा। तो जब ये ज़मीन पर चल रही थी, इसको या तो चींटियाँ खा जाती हैं या पक्षी कोई उठा कर ले जाता, तो हम इसे उठाकर घर में ले आए और एक छोटा सा गुड़ यानी जैगरी का एक छोटा सा पीस हमने इसको दिया, लेकिन शायद ये शौक में होगी तो इसने नहीं लिया, उसको टच भी नहीं किया। तो फिर हमने इसको अंधेरे में रखा थोड़ा सा, यानी कि रोशनी में ये थोड़ा शॉक में थी, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो इसको थोड़ा अंधेरे में रूम में रखा। तो अंधेरे में ये थोड़ी शांत हो गई और बैठ गई आराम से। इसके लिए हमने एक हिस्सा चीनी और चार हिस्सा पानी का एक लिक्विड जैसा बनाया और उसको एक स्पॉन्ज में हमने इस तरह से रख दिया। स्पंज में जब इसको भर दिया तो ये उस पर हमने उसको बैठा दिया। ऐसा कहते हैं, हमने ऐसा पढ़ा है कि इस तरह से जो तितली है उसको आप भोजन दे सकते हैं, क्योंकि तितलियां और कुछ तो नहीं खाती हैं, क्योंकि फूलों का रस ही लेती हैं, और कुछ तितलियां फलों को या पत्तियों को या फूलों को भी खा लेती हैं। तो इसने इतनी ज़्यादा शौक में थी कि इसने स्पंज में से एक भी बूंद उसका पानी नहीं लिया, जो कि लिक्विड था, मीठा लिक्विड था शुगर का। आप गुड़ का या चीनी का किसी का भी बना सकते हैं, एक हिस्सा चीनी या गुड़ और चार हिस्सा पानी मिक्स करके उस तरह से। तो फिर शाम हुई तो हमने सोचा इसको थोड़ी देर गार्डन में रखकर देखते हैं, उसको अच्छा फील होगा। उड़ने की कोशिश ये बार बार कर रही थी, अंधेरे में रख रहे थे तो अंधेरे में ये शांत हो रही थी, लेकिन रोशनी में ये एकदम उड़ने की कोशिश कर रही थी। तो फिर हमने सोचा जितनी देर हम अपने प्लांट्स में पानी देंगे उतनी देर इसको प्लांट्स पर बैठा देंगे, थोड़ा अच्छा फील करेगी ये नेचर में। तो हमने इसको रहने दिया, ये पेड़ पर बैठी, जैसे ही येलो जैस्मिन का ये एक झाड़ी जैसा पेड़ है, श्रब है, इस पर बैठा दिया। तो ये बार बार उड़ने की कोशिश में ये बार बार नीचे गिर रही थी, नीचे डर ये था कि कहीं इसको चींटियाँ ना खा जाए, तो हमने फिर भी इसको ऐसे ही रहने दिया और फिर थोड़ी देर इसको ज़मीन पर छोड़ने की सोची। तो आसपास काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं और शाम के नंबर में यहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी बैठे रहते हैं। तो हमने इसको जैसे ही ज़मीन पर छोड़ा और अपनी बकेट उठाई पानी देने के लिए पौधों में, तो वैसे ही थोड़ा एक दो प्लांट्स में पानी दिया और जैसे ही मुड़कर देखा ये वहाँ से गायब थी, और वहाँ पर एक बुलबुल का जोड़ा भी घूम रहा था, बोल रहा था वो। तो जहाँ तक है इसको बुलबुल ही लेकर गई है, पूरा श्योर तो नहीं है, लेकिन कोई पक्षी ही इसको उठाकर ले गया, क्योंकि अपने आप तो ये उड़कर जा नहीं सकती, इसके पंख ठीक नहीं थे। तो हमने सोचा था इसको चीनी या गुड़ का पानी देकर, या फिर फलों का जूस भी आप दे सकते हैं, स्पंज में रख सकते हैं, या फल का टुकड़ा कोई आप पास में रख सकते हैं, इस तरह से हम बचा लेंगे जितनी भी इसकी लाइफ होगी, लेकिन इसकी लाइफ इतनी ही थी। तो आज आपसे ये वीडियो इसीलिए शेयर करनी थी कि आपको अगर कोई तितली मिलती है तो आप भी उसको सेव कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।